आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस, प्रस्तुत है आज की खास खबरें। रामचर हत्याकांड का सत्र पुलिस ने किया खुलासा, उधारों पर मांगने के विवाद में हुई थी हत्या। उधारों पर मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद युवक के गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतारने वाले हत्याभियुक्त को सत्रिक थाना पुलिस ने आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर जेल रवाना किया है। पुलिस के मुताबिक दिनांक 7 मई 2022 को वादी रोहतम निषाद पुत्र स्वर्गीय मंगल निषाद निवासी दवरिया खुर्द थाना चीनट जनपद लखनऊ ने थाना सत्रिक पर तहरीर देकर बताया कि उसका भाई रामचंद्र करीब 5-6 दिन से पहले ग्राम तेलिया कुंड बताकर घर से निकला था और मल्लाहन पुरवा मजरे बरोली में बुआ की लड़की के यहाँ गया था। दिनांक 6 मई 2022 को शाम के समय आलोक पुत्र हरि नारायण निवासी बरोली थाना सत्रिक जनपद बाराबंकी से उसके भाई का विवाद हो गया और आलोक ने उसके भाई रामचंद्र की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसके भाई की मौके पर मृत्यु हो गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सत्रिक पर 176/2022 धारा 302 भादवी पंजीकृत किया गया। उक्त घटना से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी के आदेश पर थाना सत्रिक पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त आलोक कुमार पुत्र हरि नारायण निषाद निवासी बरोली थाना सत्रिक जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मृतक द्वारा उससे कुछ रुपए की मांग की गई और मना कर देने पर दोनों में कहासुनी हो गई और आवेश में आकर मैंने मृतक के गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाराबंकी से क्राइम रिपोर्टर अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।